Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज जो सर देश के हालात है किसान देखो इस सप्ताह पुराना तो मैं जी 1991 से आपको कवर कर रहा हूँ। चौधरी साहब 1991 से तो मैं कर रहा हूँ और इससे पुराना कुछ ज्यादा जी 1991 से कवर कर रहा हूँ जी मैं आपको। तो इससे पुराना भी तो ज्यादा पुराना हो गया जी सर बाकी सर तो मतलब वो जो दवान है कि नहीं है सब विदा लिए जी। एक मेरा क्लास फेलो था सेठ वो हमारे सीनियर है जी उनकी ड्यूटी मारते रिटायर हो गए जी वो भी 60 के मतलब 70 वक्त ऊपर हो गया लेकिन वो मेरे ख्याल में ट्रिब्यून में लिखता था। चौधरी साहब जो देश के हालात आज पूरे देश का किसान खासतौर पे हरियाणा पंजाब यूपी और अदर स्टेट का भी दिल्ली में डेरा डारे बैठा है और अपनी मांग के लिए अड़ा हुआ है। आप भी एक उस परिवार से हैं सर छोटू राम जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है और उन्हीं के नाम पे किसान आंदोलन भी करते हैं, आप कहाँ देखते हैं इसको? देखिए आप ये किसानों को जो तीन अध्यादेश आए और उसके बाद तीनों फिर एक्ट बने कानून बने पार्लियामेंट द्वारा उनके बारे में उनको अनेक संशयाएं हैं। उनको लगता है कि ये पूर्णतया हमारे हक में नहीं है और इसलिए किसान और आपने जैसे कहा कि पंजाब हरियाणा का किसान जो है वो इसके प्रति ज़्यादा उसका जो रुख है वो ये है कि ये गलत हुआ है हमारे लिए और इसको वो ये मानते हैं कि इससे किसान को नुकसान और किसानी को भी और खेती को भी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। आप ये मानेंगे कि कोरोना के इस 10-11 महीने में देश की और दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो सब चरमरा गई थी। सिर्फ अकेला एक कृषि ऐसा सेक्टर था जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को कायम रखा और पिछले सालों से ज़्यादा उत्पादन किया और एक निश्चित वातावरण हमारे देश में बना कि इस महामारी में भी हम अपना पेट भर सकते हैं क्योंकि हमारे किसानों ने हमारे लिए जो अन्न पैदा किया है वो किट ऐसी परिस्थितियों में किया जो संभवतः कोई नहीं कर सकता था। और अब जो जैसे मैंने बताया कि उनको लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है तो वो दिल्ली आए हैं और केंद्र सरकार से वो ये चाहते हैं कि पहले तो ये चाहते थे कि हमसे बात करें। बात करने की बात आई तो उसमें 5-4 मीटिंग भी हुई। अब केंद्र सरकार ने भी रिस्पॉन्स किया है कि भाई आप जो भी सुझाव हैं उनके आधार पे जो जहां आपको शंकाएं हैं या आपको लगता है कि किसानी को नुकसान होगा वहां उनको हम बदलने को तैयार हैं। दूसरी तरफ किसानों की ये मांग है कि नहीं आप इन तीनों एक्ट को निरस्त कर दो, तीनों जो कानून हैं इनको निरस्त कर दो तो हमारी सेटिस्फेक्शन है। तो ये लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा पिछले 10 दिन से जो चल रहा है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कुछ भरम ऐसे हैं जो मिटे हैं और नज़दीकियाँ आई हैं। अब आज की मीटिंग का मुझे पता नहीं क्या हुआ है सर। एक बड़ा पुराना किस्सा बड़ा पॉपुलर हुआ है कि जब अंग्रेज हुआ करते थे तो सर छोटू राम ने साफ कह दिया था कि 10 रुपये मन कनक आपको खरीदनी होगी। जब अंग्रेजों ने मना किया तो उन्होंने साफ कहा कि जितनी खाने के दाने हैं उसने रख लो और बाकी को आग लगा दो, तो अंग्रेजों ने मान लिया था। तो सर छोटू राम भी उस टाइम एक बड़े राजनीति में कद रखते थे और स्थिति सिर्फ अंग्रेज थे। आज देश की स्थिति है कि देश आज़ाद है पर आप भी एक राजनीति में बड़ा कद रखते हैं और उनके परिवार से हैं तो क्या कोई बड़ा स्टैंड लेंगे आप?
मैंने तो मैं आपसे नहीं, मैं पिछले 2 महीने से ये कह रहा हूँ कि किसी को ये भरम नहीं होना चाहिए। मेरे लिए मेरा धर्म भी और मेरा कर्म भी किसान और खेती पहले है, पार्टी या दूसरी चीजें बाद में। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसी स्थिति ना बने जिससे कि नुकसान हो। आपने देखा होगा कि जब जाट एजिटेशन चल रहा था तब भी मैंने बीच में आके, जब वो कह रहे थे अब दिल्ली जाएंगे, 12 लाख जाएंगे, 20 लाख जाएंगे, तो मैंने, हालांकि उस समय में केंद्र में मोदी जी के कैबिनेट में मिनिस्टर था, मेरा रोल ये नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने ये समझा कि स्थिति को काबू रखने के लिए हमारे को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। और मुख्यमंत्री हरियाणा, मैं और वो जो आरक्षण समिति के लोग थे, हमने 6 घंटे बैठ के उस चीज को एक समझौते के तौर पे ऐसी परिस्थिति को टाल दिया जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता था, लोगों की जान जा सकती थी और भ्रामक प्रचार हो सकता था। अब दिल्ली में अगर 10 आदमी भी उस समय मर जाते हैं और वो 10 प्रोपेगेंडा करने वाले 20, 50, 100 हजार तक पहुंच जाते तो नुकसान हो सकता था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि भारत सरकार ने इन सारी जो किसानों की जो बात है उनकी उचित बात को ध्यान में रखते हुए किसान ये समझे कि मेरे साथ न्याय हुआ है। और न्याय किसी भी प्रजातंत्र में जो पार्टी इन पावर है या जिसकी सरकार है, उसका ये फर्ज है कि कोई भी नागरिक अपने अधिकारों को अगर व्याख्या कराना चाहता है जिससे उसका उसको ये शंका हो रही है कि मेरे को नुकसान होगा, उसकी व्याख्या हो। और वैसे भी पिछले, देखिए पिछले 25 साल से, मैं कह सकता हूँ 25 से तो 20 साल से 2000 के बाद खेती के मामले में, खेती करने वाले जो परिवार हैं उनके जो बच्चे हैं वो ये समझने लगे खेती अब घाटे का सौदा है। और इस परिस्थिति में एक आंकड़े मुझे मिले थे, आपसे नहीं, मैं आपको 3 साल पहले की बता रहा हूं कि 20 करोड़ ऐसे युवा युवतियां हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम खेती छोड़ के कुछ और काम करेंगे, हमारे खेती में कुछ बचा ही नहीं। तो आज खेती को लाभकारी बनाने के लिए, और वो लाभकारी कैसे बने ये नहीं है कि कानून बनाने से, एक वातावरण पैदा करना चाहिए जिसमें विश्वास की भावना पैदा हो सरकार के बीच में, किसान के बीच में। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार और किसान के बीच में अविश्वास पैदा हो गया, उसको खत्म करके एक विश्वास की भावना पैदा करनी चाहिए ताकि किसान को इंसाफ मिले। सर, किसान कहता है कि कानून ठीक नहीं है, सरकार कह रही है कि कांग्रेस इनको भड़का रही है, आपकी नजर में 3 कानून कहां पे हैं? देखिए, जब कोई चीज एक बड़ा रूप धारण कर लेती है तो उसमें अपनी रोटी सेकने वाले बहुत हैं, जो रोटियां सेकते हैं, राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं लोग। लेकिन भारत की जितने भी किसान यूनियन हैं, अभी तक उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने अंदर घुसने नहीं दिया। ये अब कोशिश राजनीतिक दल ये करते हैं और जिस तरह की बयानबाजी करते हैं कि सरकार को दोषी मानते हैं, उनको उन्होंने गला काट दिया, उनकी पेट पे लात मार दी, ये आपके यहाँ के भी एक नेता है वो भी ऐसे ही बयान देते हैं कांग्रेस के। तो ये समय ये नहीं है कि आप अपना राजनीतिक लाभ, हाँ आप किसानों की बात करो कि उनके साथ बात करें सरकार, आप बात करो कि किसी की निंदा करके बात करोगे तो कोई सलूशन नहीं निकलता। और किसी भी राजनीतिक दल को मैं ये कहूंगा कि किसान अपने जो मूल अधिकार हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए राजनीतिक दल को कोई अधिकार नहीं है कि उनकी भावनाओं को किसी गलत तरीके से पेश किया जाए। मैं तो यहां तक भी कहता हूं जिन लोगों ने ये कहा कि ये आतंकवादी हैं या है, ये भी गलत है। किसान किसान है और किसान
पंजाब का किसान अकेला नहीं, सारे देश के किसान एक। सर मेरा प्रश्न फिर वही है कि तीन कानून आपकी नजर में कहाँ है, ठीक है गलत है? हाँ? जो तीन कानून बने हैं आपकी नजर में उनकी स्थिति क्या है, वो ठीक है गलत है, किसान भ्रमित है? आपको इसी बात पे बात करता हूँ, यही बात आपको कोशिश कर रहा था कि 20 साल तक यानी 2000 तक जो 1967 में MSP की एक रचना आई थी जिससे के ग्रीन रेवोल्यूशन आया और ये देश जो अपना पेट नहीं पाल सकता था उसको पेट पालने की शक्ति किसान ने पैदा की, उसने सरप्लस पैदा किया और उसमें सबसे अग्रणी पंजाब और हरियाणा के राज्य थे जो एक समय पे 70% से ज्यादा जो अनाज का भंडारण है वो इन दो राज्यों से होता था। और तब MSP लागू हुआ तो किसान भी स्प्रद हुआ और खास तौर पर इन दो राज्यों का, लेकिन वो स्प्रदि 3 दशक तो चली। 2000 के बाद आप भी देखो हम भी देख रहे हैं कि उस स्मृति में एक ठहराव आ गया और फिर ये बात सामने आई, जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो समझने लगे कि ये तो घाटे का सौदा है। तो उस परिस्थिति में नए तौर पे हमारे को सोचना पड़ेगा, ये जो कानून बनाए हैं इनमें जो कमियां हैं उनको दूर करके, मैं ये जरूर कहूंगा कि उनको दूर करके वो नए जमाने में अर्थव्यवस्था में किसान की भागीदारी कैसे बढ़े उसकी तरफ ये आकर्षित करते हैं। लेकिन इस भ्रमित स्थिति को साफ करना भी हमारा कर्तव्य है और इसमें राजनीतिक दल पॉजिटिव भूमिका अदा करें ना कि नेगेटिव, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा करते हैं तो किसानों का अहित करेंगे वो लोग, चाहे विपक्ष में बैठे लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन उन्होंने भी 50 साल राज किया, कांग्रेस ने कब किया? आज जो बात वो कर रहे हैं ये सारी बातें तब कर सकते थे। और जो ये 3 एक्ट आए हैं, आप मैनिफेस्टो देखो चाहे पंजाब का देखो चाहे देश का कांग्रेस पार्टी का, इन तीनों एक्टों के चारों तरफ घूमती है उनके मैनिफेस्टो में। आज से 10-12 साल पहले पेप्सी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसने अलाउ किया था? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पेप्सी के लिए थी। और वो फेल हुआ वो तजुर्बा। और इसीलिए किसान को लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फिर आ गई तो हो सकता है कि मेरी जमीन ही मुझसे छिन जाए, ये सबसे बड़ी शंका है किसान के मन में। और ये दूर करना हमारा राजनीतिक नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का फर्ज है और भारत सरकार का भी फर्ज है और राज्य सरकारों का भी फर्ज है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस सारे सिस्टम में हरियाणा पंजाब ऐसी दो राज्य हैं जहां पूर्ण रूप से गेहूं और ये क्या राम गेहूं और पैडी की चावल की पूरी प्रोक्योरमेंट होती है, दूसरे राज्यों में यह सिस्टम नहीं है। इस देश को अन्न जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो भी एक महत्वपूर्ण कानून है, उसके मद्देनजर हर राज्य के अंदर जो 135 करोड़ का देश हो उसमें फूड सिक्योरिटी के लिए राज्यों में, ये राज्यों की जिम्मेवारी है। अगर आज बंगाल की सरकार हमारे खिलाफ बोलती है, आज मुंबई की सरकार हमारे, महाराष्ट्र की सरकार हमारे खिलाफ बोलती है, राजस्थान की हमारे खिलाफ बोलती है, उनका भी ये कर्म है कि वहां भी जो सरप्लस है उसकी जो भी किसान हो उसका MSP के आधार पे उससे खरीद हो, खास तौर पे गेहूं। और मैं तो कहता हूं कि हमारी सरकार ने 26 फसलों पे MSP निर्धारित किए, तो ये नहीं होना चाहिए। अब हरियाणा में भी ऐसे ही है, अब इतना बाजरा लेंगे क्यों लेंगे भाई? बाजरा जितना जो पैदा करता है वो सारा ले हुआ, या बाजरे की कीमत आपने MSP क्यों तय की थी?
तो ये बातें किसानों को भ्रमित कर देती हैं कि शायद सरकार की मंशा ठीक नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ इसमें सुधारात्मक सोच की जरूरत है और राज्य सरकारों की ज्यादा इसमें भूमिका है और उनको किसानों को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी जिनस वो पैदा करते हैं उसके MSP पे खरीदने का प्रावधान राज्य सरकारों को करना चाहिए। सर आज किसान चाहे दिल्ली में है, चाहे कैथल में है, चाहे कहीं भी है, जब भी वो सवेरे शुरुआत करता है तो सर छोटू राम की मूर्ति प्रतिमा को माल्य अर्पण करके उनसे आशीर्वाद लेके शुरुआत करता है और उन्हीं का नाम से वहाँ पे भी लोग इकट्ठा है। क्या जरूरत पड़ी तो आप मध्यस्थता के लिए या समर्थन के लिए दिल्ली जाएंगे? भाई मैं तो बता दिया, मैंने तो किसानों को भी ये कहा, मेरे पास कुछ फीलर्स आए थे कुछ किसानों की यूनियन के, इस देश में यानी बदकिस्मती हमारी ये है कि 1400 से ज़्यादा किसान यूनियन है। मैंने हरियाणा पंजाब के लोगों से ये कहा था कि मैं आपके साथ आगे चल के इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करना चाहता हूँ, लेकिन पहले इकट्ठा तो हो, यानी अपने कॉमन कॉज के लिए अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे तो हमारी ताकत नहीं बढ़ती, ताकत नहीं बढ़ेगी तो कोई सुनेगा नहीं। तो आज जरूरत है इस बात की कि किसान अपने छोटे छोटे यूनियन को छोड़ के एक बड़े यूनियन के तौर पे अपना संगठन बनाए। और मैं तो राजनीति, मैंने तो आज से 1.5 साल पहले बोल दिया था कि मैं कब अब चुनावी राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर किसान संगठन इकट्ठा होके और भविष्य के एक उज्जवल भविष्य के लिए लड़ना चाहते हैं, ये इसी बात पे नहीं कि 3 एक्ट की बात है, बहुत लंबी लड़ाई है, तो वीरेंद्र सिंह तैयार है उसके लिए। मैं राजनीति से भी छोड़ने को तैयार हूँ, किसानों के लिए मेरी राजनीतिक व्यवस्था में मेरा कोई, मैं उसको ज्यादा अहमियत नहीं देता, हालांकि 50 साल की राजनीति बहुत होती है, इतने तक में सरकारी अफसर भी रिटायर हो जाते हैं 60 साल में, तो मैं तो किसान के लिए। लेकिन मुझे फिर ये बात मैं कहूंगा कि एक संगठित होकर लड़ाई जरूरी है, क्योंकि दुनिया की दौलत में दुनिया का जो सिस्टम है, अर्थव्यवस्था है, उसमें किसान को तो कहीं है ही नहीं, उसका तो स्थान ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, अभी बेंगलोर के अंदर एक सम्मेलन हुआ था जो ये कॉफी पैदा करते हैं किसान, कॉफी पैदा करने वालों, और लेक्चर देने के लिए इंग्लैंड से एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री आया था। उसने पूछा कि आप ये बताओ कि 5 सितारा होटल में 100 रुपए का एक कप मिलता है कॉफी का, आपको उसमें से कितना मिलता है? तो उस किसानों को क्या बताता, वो कहता मैं बताता हूं आपको, वो कहता कि 2.32 पाउंड, मतलब वो अपने पाउंड के हिसाब से बात करता है, हम अपने रुपए के हिसाब से। अगर मैं ये, उसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपए का एक कप कॉफी का है तो उसमें उस किसान को 2.32 रुपए मिलते हैं, तो ये अन्याय नहीं है क्या? ये अर्थव्यवस्था है क्या? तो यानी एक प्रोफेसर ने अभी बताया कि जो 1966-67 में 1970 में 76 रुपए क्विंटल भाव था गेहूं का, अब कितना है? 1975 हाँ, अब 1975 हुआ है, और मेरे प्रोफेसर की तनख्वाह उस टाइम 280 रुपए थी, वो 1.25 लाख रुपए लेता है, ये गैर इंसाफी नहीं तो और क्या है? तो ये इन सारी चीजों के लिए किसान संगठित नहीं है, उनको एक अपना अलग से संगठन कायम करना पड़ेगा और उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और कई चीजें ऐसी हैं जो भारत सरकार कर सकती है, कोई मुश्किल बातें नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, 5.5 लाख करोड़ रुपए का फसल जो पैदा होती है वो, और फसल से जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे गेहूं से मैदा बन गया और बन गया, 5.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। भारत सरकार ने FPO का प्रावधान किया फार्मर्स के लिए। मैं ये कहता हूं कि भारत सरकार की मंशा ये, अगर उस मंशा को हम पूरा कर दें
कि वो 5.5 लाख करोड़ का जो व्यापार है वो अगर किसान के माध्यम से होना शुरू हो जाए तो हमारी इनकम दुगुनी नहीं तिगुनी चौगुनी 5 गुना हो सकती। ये है आज के इस दौलत में किसान का हिस्सा बढ़ाया जाए, ये है लड़ाई। और इस लड़ाई को लड़ना हो तो किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। थैंक यू सर।